मैं रिंकी निगम, आप देख रहे हैं जनबाद टाइम्स। दिनांक 28/2021 में थाना सदर पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले चार अभियुक्तगढ़ को किया गिरफ्तार। 98 पेटी अंग्रेजी शराब रेस 07 हरियाणा मार्ग का अवैध शराब बरामद। थाना सदर में SP सिटी विकास कुमार ने किया खुलासा। आप देख रहे हैं संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। ये कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या क्या बरामद हुआ है सर? थाना सदर क्षेत्र अंतर्गत हिंदू कटरा चौकी के क्षेत्र में पुलिस को मुखबिर से ये सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध शराब जो कि दूसरे राज्य के बने हुए हैं लेकर आ रहे हैं। इसके लिए पुलिस ने वहाँ पे मुखबिर के सूचना के आधार पे पूरी तैयारी कर वहाँ पे पुलिस ने कैद की और दबिश देकर उसने एक ट्रैक्टर ट्रॉली और पीछे आ रही एक गाड़ी से शराब बरामद की है। ट्रैक्टर ट्रॉली से पुलिस ने 80 पेटी और पीछे आ रही जो कार थी उसमें 18 पेटी शराब बरामद की है। ये हरियाणा मार्ग की शराब है और इसमें चार लोग संलिप्त थे। उन चारों को गिरफ्तार किया गया है। उनके नाम है अमन, अंशु, सुमित और अनिकेत। इन सबके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है। सर, ये कहां से तस्करी का था या शराब कुछ रक्षा था, ये सब बातें पूछताछ में आगे सामने आएंगी। लेकिन जो उनसे पता चला है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली में छुपा कर ले जा रहे थे, शराब के ऊपर पराली रखी हुई थी ताकि किसी को पता न चले। इससे उनका इंटेंशन साफ नजर आ रहा है कि वो अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं। खपाने के लिए कहां लेके जा रहे थे, कहां से लाए थे सर? हरियाणा मर का हरियाणा से लेकर आएंगे और ये खपाने का इनका अपना अपना क्षेत्र है, वहाँ पे ये खपाते हैं। पूरे इनके चेन की कौन सा संलिप्त है इन सबकी जांच की जा रही है। सर, लोकल में कुछ लोग और भी हो सकते हैं? हो सकते हैं, पूछताछ में जो सामने आएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, कब से काम कर रहे होंगे लगभग? अभी इनका क्रिमिनल इतिहास भी खंगाला जा रहा है और जो आएगा वो विवेचना में सम्मिलित किया जाएगा। क्या मान रहे हैं सर, त्यौहार सीजन को लेकर के इस तरीके से? त्यौहार चुनाव के लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी गतिविधियां बढ़ रही हैं। पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और इन सभी गतिविधियों को रोका जाएगा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।